मरीज की जान बचाने पर डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो वहीं मरीज की हर समय देखभाल करने वाली नर्स को भी उसी नज़र से देखा जाता है। लेकिन जब मरीज के तीमारदारों से वही नर्स वसूली करने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा। ऐसा ही एक वीडियो सहारनपुर जिला अस्पताल से सामने आया है। दरअसल वेद विहार के रहने वाले अंकित को बीमार होने पर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि उन्हें अच्छे इलाज दिलाने के लिए नर्स द्वारा रिश्वत मांगी गई और रिश्वत लेने का किसी ने वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं संबंधित मामले में जिला अस्पताल CMS डॉक्टर SK वार्ष्णेय का कहना है कि वीडियो सामने आया है, उसके लिए जांच कमेटी गठित की है और कार्रवाई की बात की जा रही है। हाँ, कल मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ की स्टाफ नर्स का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि पैसे लेते हुए उसको दिखाया गया है और उसका वर्जन भी बताया गया है। मैंने उसका संज्ञान लेकर तुरंत अपनी मैट्रन और दो डॉक्टरों की जांच टीम गठित कर दी है। डॉक्टर KV सिंह हमारे यहाँ और डॉक्टर AK चौधरी सीनियर 40 स्पेशलिस्ट, इन लोगों को मैंने जांच टीम में किया है मैट्रन के साथ में। ये जांच करेंगे, देखेंगे कि अंकित नाम का मरीज था कि वो अभी मेरे पास दूसरे पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, केवल वीडियो आया है, अखबार की न्यूज़ आई है। तो उस जांच में ये जांच करके बताएंगे कि यदि इसने पैसे लिए हैं और दोषी पाई जाती है तो मैं इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूँगा और कठोर कार्रवाई करके ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि किसी और कर्मचारी की इतनी हिम्मत न हो कि मरीजों से पैसे ले सके। लेकिन इसमें अभी दूसरे पक्ष की कोई शिकायत नहीं आई है, दूसरे पक्ष को भी इसमें बुलाया जाएगा, उनकी भी जांच की जाएगी कि उन्होंने पैसे दिए और दिए तो किन कंडीशन में दिए, जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि इसने पैसे लिए हैं और ये दोषी साबित होती है तो मैं कार्रवाई इस पर करूँगा।